इन दो सितारों को अपनी आंखों से देख सकूं। जो काम इन्होंने किया है, जिस विलेज से वो आते हैं, बनवारी तोला जो है वहां पर, जो इन्होंने किया है, जो उनके फादर ने किया है, जो बाकी जो वहां के विलेजर्स हैं, मर्द औरतें सारे जो मिलकर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि लड़का कर सकता है या लड़की कर सकती है, हुनर की बात होती है। और अगर आप में हुनर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लड़की हो या लड़का हो। और ये इन दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छी तरीके से साबित किया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मैं आपको बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सी ऐसी फैमिलीज के लिए, लड़कियों के लिए, जो जब ये फिल्म देखेंगे। जैसे मुझे बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग आई जब मैंने आपकी कहानी देखी, मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि बाकी लोगों को भी ऐसी फीलिंग आएगी और ऐसी मतलब सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है कि जैसे वो कहते हैं कि जो क्या उस तरह को नहीं पता है कि वो लड़का का हाथ है लड़की का हाथ है, तो इसी तरह से आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी सिटिंग हियर नेक्स्ट टू देम टुडे। वेल आई थिंक जिलेट इज डूइंग वंडर्स इन ब्रेकिंग थ्रू मेनी डिफरेंट ग्लास सीलिंग्स, breaking through gender stereotypes, as you say. And it is important. I mean, it's always seen as a very masculine brand, you know, so for them to be thinking out of the box, to be thinking about contemporary values, thinking about what the future of society should be like, what people should be feeling emotionally about each other, men, women, it's very, very important that they're setting an example and they're taking a lead in this. And when you have a brand that is so defined as masculine, you know, when they take this step, to say that we need to think about, it's not just about the best a man can bet can get, but the best a man can be, you know, that is, it's a subtle change, but it means so much, you know. So I congratulate them, and again, and as I'm proud to be sitting here next to these two wonderful ladies, I'm also very, very proud to be associated with Gillette to spread this message that they have started. You know, I really salute you, both of you. Aap dono ko bahut bada salute hai to run a barber shop in small UP village, which is Banwari Tola. And I'm really happy and really glad and honored to share the stage with both of you. हमें बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के साथ स्टेज शेयर करने के लिए, फरहान सर को, मुझे, हम सबको। इनफैक्ट जो यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो हम सबको आज शूट कर रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से फरहान सर ने कहा कि ब्लेड को नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, तो ये बहुत चीज़ मायने रखता है, जब क्योंकि ब्लेड से किसी की जान भी जा सकती है और किसी को आप खूबसूरत भी बना सकते हो। जैसे अभी कितने क्लीन शेव और हैंडसम लग रहे हैं फरहान सर। सो ये एक ब्लेड की कला है, तो ये बहुत लग रहे हैं। हम भी हैंडसम लग रहे हैं, तो जो क्लीन शेव रहते हैं वो हैंडसम ही होते हैं, ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से आपने अपने गांव का नाम रोशन किया है, और जिस तरह से आपने एक जेंडर को, मतलब लोग समझते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, वो आपने एक सबका स्टीरियोटाइप चेंज किया है, और जो बच्चे हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, एम आई राइट? जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। जो मेरा छोटा बच्चा है वो भी मुझे जब देखता है बाल करते हैं, तो वो भी घर में जाके जो मेरी मैनिक्विन है उनके बाल बनाता है। तो उसी तरीके से आपको देख के इस देश की जो लड़कियाँ हैं, जो जनरेशन है, उनका सोच विचार चेंज होगा, वो भी इस चीज़ को अपने हाथ में लेंगी, उसरे को हाथ में लेंगी, ब्लेड को हाथ में लेंगी और अपना करियर बनाएंगी। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, टोटली लव इट। इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपेन, इट्स अ ब्यूटीफुल एड, एंड ऑल थैंक्स टू जिलेट फॉर प्रमोटिंग दिस कैंपेन एंड इंश्योरिंग दिस होल वर्ल्ड नोज अबाउट Jyoti and Naya. Their story is beautiful and very encouraging. In fact, it's a great movement. It's an empowerment for all the girls to think beyond stereotypes. And this is what the world should be doing. This should be the thought process. And bahut hi beautiful campaign hai, bahut hi beautiful ad hai. In fact, maine jitne jo hamare hairdressing group hai, jinko maine wo campaign share kiya, jo ad kiya, they were feeling so, they were taking so much of pride in them. कि इस तरह की लड़कियों को जिनका एनकरेज करना चाहिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए वो ऐड, और सबको इतना अच्छा लगा। आप दोनों जिस तरह से आप कर रहे हो, इट वॉज़ वेरी इमोशनल ऑल्सो। इनफैक्ट जिनकी लड़कियां हैं वो खुद चाहेंगे कि उनको इस फील्ड में डाला जाए और ब्लेड को हाथ में लें, और जिस तरह से आप कर रहे हो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरा भी शेव करोगे। तो बहुत अच्छा है, ये 5 साल पहले हम सोचे थे नहीं कि मतलब हमसे इतना बड़े बड़े लोग से मुलाकात होगी। सोचा कि पिताजी को नाम ऊंचा करेंगे, हमने ठान लिया था कि हम काम करेंगे तो करेंगे,
हमने ये नहीं सोचा कि लड़की है कि लड़के हैं, जेंट्स पार्लर चलाएंगे तो चलाएंगे, सोच लिए थे। गांव वाले पहले तो बहुत गलत सोचते थे। हाँ क्या? जी ओके, तो फिर आपने वो सोच को कैसे बदल दिया? लड़के जैसे वो कपड़े पहनते थे, छोटा छोटा बाल रखते थे और अपना काम करने थे। कि हमारे प्रोफेशन में मोस्टली ये होता है कि यू नो स्पेशली बाबर्स, ये लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं, और माँ बाप बहुत यू नो जो लड़कियां इस प्रोफेशन में जाती हैं या करना चाहती हैं उसको बहुत नीचा देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी अगर ये काम करेगी तो यू नो जैसे इन्होंने भी कहा कि इनको काफ़ी कठिनाइयाँ पेश करनी आई, इनको पहले अपने छोटे बाल करने पड़े और यू नो ऐसा दिखाना पड़ा कि वो लड़के हैं, एम आई राइट? ऐसा 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 करना पड़ा आपको। तो मैं यही अपने लोगों से विनती चाहूँगा कि यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लड़के की वेशभूषा पहननी हो। यू नो वी शुड एनकरेज ईच एंड एवरी गर्ल चाइल्ड यू नो टू बी वॉट दे वॉन्ट टू बी, टू ड्रेस अप द वे वॉन्ट टू बी एंड बी अ बाबर। दे डोंट हैव टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय और यू नो और डर के अपनी ड्रेसिंग चेंज की जाए। ये हम सबको एज ए इंडियन, ये दुनिया में सबको सपोर्ट करना चाहिए हर एक लड़की को कि आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपको जो पहनना है, जैसे रहना है, आप रह सको, आपको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। वेल यू नो वी ऑलवेज एंड अप टू मेनी स्टेप्स फार अहेड व्हेन इट कम्स टू दिस स्टफ। दे हैव मेड अ मूवी विद व्हिच इज व्हाट आई वॉच्ड एंड गॉट वेरी मूव्ड बाय। यू नो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ फीचर फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। Gillette has done a wonderful job of presenting their story with the right emotion behind it and the right messaging behind it, and that is what is important. It's not important whether it's a feature, it's a TVC, it's a short film. It doesn't matter. Communication is important, and what the messaging is what is important. लेकिन डरे थे आप कि क्या था, मतलब जब ब्लेड आपने हाथ में लिया कि ब्लेड बहुत रिस्की चीज होती है, तो किसी की जान भी जा सकती है, जैसे बहुत हैंडसम भी लग सकते हैं, आप नर्वस थे? बनाने में तो थोड़ा कटा था, फिर बाद में फिर धीरे धीरे सही हो गया, हाथ भी साफ हो गया, शेव होने के बाद लोग हैंडसम लगने लगे, आपको कैसा लगा? एकदम हैंडसम।